अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई. मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और गैर एक्सपर्ट ही नहीं है. तुम्हारे मुंह को जेल होनी बनती है. हेलो सिद्धार्थ. हेलो सर. मैं बहुत आपका फैन हूँ. अरे शुक्रिया. कटरीना मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है. मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है. कटरीना कैफ पसंद है. सिद्धू साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. सिद्धू साहब अच्छे लग रहे हैं. आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है. टोपी पहन के खेल में आए हैं आप. तू भी तो साड़ी पहन के आई है. मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं बता ही नहीं सकता. मैंने बताने नहीं जाओ जो करना कर रहे. आपको याद है आपका मैच था 1990 में. अच्छा. भारत पाकिस्तान का मैच था. आपको वकार यूनुस ने 0 पे आउट कर दिया. मेरे को वकार यूनुस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया. एक मिनट कैसा एक्सपर्ट है आप? मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ. इनको पता ही नहीं है मैं इतना एक्सपर्ट हूँ. मैं चलती बस से उतर जाता हूँ. मैं क्योंकि स्टॉप पे उतरो पैसे मांगते हैं. मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ आप यकीन करें. मैं पहाड़गंज में रहता हूँ. हाँ जी. शादरा से बच्चे आते हैं मेरे से गाली सीखने. इतने बदतमीज मैं उनको गाली सिखाता हूँ. मैं पैसे मांगता हूँ और गाली मेरे को दे जाते हैं. बाकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी. मैं कमली कमली यार दी कमली बहुत ज्यादा. ठीक है कमली या ज्यादा ली हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं. अब हम गेम खेलेंगे. ये क्या है? ये किसके लिए? यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी. मैं सुसु करता था. मैं आधे घंटे से मार रहा हूँ. होने जा मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को. तो चलिए हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा. अरोड़ा कम हमारी राह में रोड़ा ज्यादा है. तो चलिए खेला शुरू करते हैं. और उसके लिए आप तैयार हैं? बहुत ज्यादा. आप लोग तैयार हैं लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा. अच्छा टैक्सी तो हम हैं मान गए. मेरे मन में एक बात आ रही थी मैं रोक नहीं पाया. तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो वरना मुंह खराब ही लगेगा. सिद्धू साहब मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी. आप यकीन नहीं करेंगे उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था. अच्छा दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज वो मेरे साथ रहता है. मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे. शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ. वो बड़ा कुत्ता है. वो चुपचाप बैठा था. ये टीवी पे ही भौंकने लगा. उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह. इसका मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया. अभी हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर. बहुत अच्छी बात है. हम इधर टीवी पे आ रहे हैं तो जनता का मुंह दिखा रहे हैं. पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए. पहला सवाल 50. 50 लाख रुपया कौन देगा? मुझे बात ना मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ. मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया. अगला सवाल पूछो. आप एक्सपर्ट हैं बीच में पट पट मत बोलिए समझे आप. यार एक बात मैंने भी बोली मुझे तुम बहुत पसंद आए यार. मेरे बहुत पसंद आए. बहुत पसंद आए. चलिए अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के. वाह 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 क्या सवाल है. सिद्धार्थ और कटरीना ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है. आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका या डी पार्टनर. सब जरूरी है. कुंडी कुंडी दरवाजा बंद और कुंडी. कैसे हो? अगर आप चाहें तो देखिए बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है. हाँ. आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं लेना चाहें. एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे में. देखो बड़े राय है ऐश्वर्या का. मेरा रोड़ा लेना तो ले लो.
चलिए चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ. राउंड लिया है. अगला लिया. अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए. सीख रहा है, सीख रहा है. सवाल मैथमेटिक्स का है. ओ. गणित का सवाल है. हाँ जी. कितने में से कितना निकालेंगे तो 0 बचेगा. कितने में से कितना निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0 बचेगा. 0 बचेगा. आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन भी हैं हमारे पास. अच्छा. 4 हैं. कुछ में से कुछ, बी थोड़े में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, या डी सब में से सब. सब में से सब. फोन ऑफ फ्रेंड. नहीं, गलत है. सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा. मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया. अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है. अच्छा अच्छा, बोलिए. आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे. आपके ऑप्शन है ए 3-piece suit, बी शेरवानी, सी प्लाजो. 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 प्लाजो होता है ना. प्लाजो. कितना हो, डी हो गया था. नहीं नहीं, सी हुआ. डी मिनी स्कर्ट. मिनी स्कर्ट. ई उससे भी मिनी स्कर्ट. एफ उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट. ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट. अच्छा. शेमलेस जीन्स मतलब. शेमलेस जीन्स. जी बैकलेस ट्राउजर. पूरा ऑप्शन सुनिए. जी के बाद क्या आता है. एप. एप तो हो गया था ना. एच. एच. जी की बात है. हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है. एच बैकलेस ट्राउजर. किस में ज्यादा सेक्सी लगेंगे. और ऑप्शन दे. जेड तक ऑप्शन. मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए. ऑप्शन होते 4. हाँ, दे दिए 3500. इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे हैं. हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस कटरीना से ज्यादा. हमारे पास हम नहीं बर्दाश्त कर सकते. लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे. मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे. नहीं, आपको मानना पड़ेगा. हम ऑडियंस पोल लेंगे. हम और यहाँ पे कटरीना जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे. ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है. ठीक है. ठीक है. तो हम डांस करेंगे. जो भी जिसको मूवमेंट में अच्छा लगा वो बता. अब आप लोगों के सामने हो गया है ऑडियंस. अपना अपना पोल दे दो. बता दो कौन हॉट है ज्यादा. मेरे ऑडियंस को बड़े पसंद आए. काफी कंफ्यूजन है. मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैंने सिद्धू साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं. हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है. पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है. लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया. बहुत ज्यादा. मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल. तुम इधर एक्सपर्ट बनकर राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो तुम. हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं. हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ कर सब कुछ. आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है. हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है. हम यहाँ से जा रहे हैं. हमको नहीं खिलाना खेलना है करोड़पति. हमारा दिल बच गया है. हमारा तो दिल बच गया है. बहुत मुश्किल है जीना हमारा. अरे नहीं, हमारा घर में एक बेडरूम है. इधर हम सोते हैं, इधर हमारी ननद सोती है, इधर हमारे पति सोते हैं. बच्चा कैसे होगा बताइए.
आप टेंशन मत लीजिए। कुंडी हो भी तो क्या करें कुंडी, बीच में है ना कुंडा हमारा नाना, क्या करेंगे कुंडी का, जिंदगी खराब हो गया। एक्सपर्ट जी से पूछिए क्या करें। सारा दिन हस्बैंड घर पे रहता है, दो मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर ले, ना घर पे सिर पे दाल गलता है हमारा। हमारे हस्बैंड का कर्नाटक प्लेस अच्छा करता है ना सिटी केबल में, वो सारा। तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता, तुम बाहर चले जाया करो। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं। आप रो मत। मैंने पहले भी कहा, अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना। हम तो बार बार देखने जा रहे हैं, तो हम भी बार बार देख लेंगे उसमें क्या है। इनकी फिल्म बार बार देखो, लेकिन इनका मुंह एक बार देख लो आप। देख लो, मैंने वो आपकी आम वाली एड देखी थी, जो आम में से रस निकलता है ना, जो आप ऐसे होटो में गिरता है, मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था। अच्छा, इनके आम में से रस निकलता है, हमने आम लाए कीड़े वाले निकले। आइए एक सेल्फी लेते हैं आपके साथ, बहुत मजा आया आपको देख के। मतलब जितना मुझे इसका मुंह गंदा लगा उतना ही आप दोनों को अच्छा लगा। अरे आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ। आइए आप देखिए, हमारा ऐसा नहीं है मुंह, इतना गंदा नहीं है। आइए आप भी इधर आइए। हमारा आ ही नहीं रहा, कवर करके खड़ा हो गया। कटरीना आप इधर आ जाइए, आपका हमको बाहर कर दो। अरे बार रहो, ध्यान से आपका मुंह आ रहा है, बाहर हो जाओ। सेक्सी तो हम है, बिल्कुल बहुत मजा आया, बहुत सेक्सी है। आप बहुत मैं तेरे, मैंने बेटे तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मार रहे हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश अरोड़ा ने। राजेश जी आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घुंघट उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं अरबाज खान, रोहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूँ। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया, मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे मैं आपको एक बात करनी भूल गया। जी आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लगी रहा लड़का खड़ा है, लग रहा किसने तुक्का है। बेटे आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चंदू साहब मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं, मैं अद्धू। आपका सकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू कद्दू यार, क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया, ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे एक बात बताओ, जी तुम सच में जेब कद्दू की जगली ऐसी है? बेटे मैं एक बात बताता हूँ, सुनिए साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। लेकिन एक बात बताइए, सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? मेरे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। अरोड़ा साहब, ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होकर झूठे कब धोएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा, उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई,
अच्छा मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया, मैं जा रहा हूँ। मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ बुढ़ा साहब। लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं बेटे, मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया, ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ। बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं थी। अरोड़ा साहब आपने बुजुर्ग आदमी है, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकने लगा तेरे मुंह पे। तुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ? मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मैं मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गर्मियां बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गर्मियां सिखाया किसने पहले मेरे को बता, प्लीज यार। हमारा अगला सवाल ये है यार, मेरी बात है एक। हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है, कभी पिछला भी हुआ है। कभी पिछला सवाल सुना आपने? लगता है तुम पहली बार कर रहे हो बेटे, मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मैं एमी, एमी की मम्मी बड़ी अच्छी राइमिंग करी, आई लाइक योर डॉटर। You have only one piece? one is sitting here. बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद नहीं आया। अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तुम बहुत पसंद आए, मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तू कमाल कर। खैर प्लीज कृपया, कहता खैर खैर होता है। मेरा अगला सवाल ये है, सलमान खान के डम्बल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है, इधर लेते इधर लेते, तो इसको जेब में रख ले यार, इधर नहीं लेते इधर लेते, इधर उधर क्यों कर रहे हैं साहब? प्लीज यार शट अप। हाँ जी सर मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछो सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगा, कुंडी लगाइए, तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो उसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना, अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है, बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया, मैं तो कहता हूँ जाओ यार मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे तुम, मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है, लेकिन हम जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर में होगा। बहुत अच्छा मुझे जवाब आया, पसंद। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ है, जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे ऐसी और कैसी। अच्छा इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है,
ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं बदला लेने पे आएगा सारी चीजें गिरी रहेंगे, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं। मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लेंगे। अच्छा जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे पूछो, तुम सवाल पूछने आए दुनिया में। यार, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे अच्छा मैंने वो दिन तो बहुत पहले कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मानना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल किया, ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे एक बार जाओ लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे, एक मैंने मारना है। आप प्लीज, आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं। इसमें बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं है अब हमारे, मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए प्लीज, बिहेव कीजिए। अरे बात सुनिए एक मिनट, अरे रुक जाइए यार, आप बात कीजिए जब आपका। अरे बेटे मारे झगड़ा कर रहा है, मैंने बेटे तुम्हारे मार देना है। नहीं तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है यार, आते हैं बेटे, मैं कह रहा हूं भाई मैंने गलत सब क्वेश्चन, नहीं वो सवाल गलत था। कराइए आप तो मेरा साथ दो, आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे कराइए चलिए, उससे ट्रेंड चेंज कराया बेटे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.